एक और है सोम, नॉर्थ की दिशा में व्यापार में लाभ कमाने की शक्ति और शत्रुओं से रक्षा करने की शक्ति है ना, वो सोम की है। इसी प्रकार भुजंग, नॉर्थ की दिशा में स्वास्थ्य एवं धन का प्रवाह बनाने की शक्ति भुजंग की है। ये 16 देवता हैं जो आपके काम आएंगे एंड वाले। बाकी आपके जो जीवन में काम आएगा वो क्या काम आएगा, जो अभी आपको बताया कि पांच तत्व कैसे बैलेंस होंगे, पांच तत्व के बारे में जानकारी आपने जो सीखा, आठ दिशाओं को है ना, आठ दिशाओं को हम कैसे उन्हें कोलेट करें, कैसे हम उन्हें पहचाने, ये हमें पता होना चाहिए किसी भी तरीके से। सही है ना? इससे आगे बताइए। जी दस दिन के बाद आपको हर हालत में वास्तु एक्सपर्ट बनना है और ये गारंटी ली है हमने आपको। सही है ना? ये गारंटी ली है कि 10 दिन के बाद आप अपने नाम के आगे वास्तु एक्सपर्ट लगा सकते हैं और वो 10 दिन में हम आपको कामयाब कर देंगे, ये पक्का है। लेकिन आपको भी याद रखना है, आपको भी काम करना है इस चीज पे, आपको अपने आप को जागृत करना है। बिना अपने आप को जागृत किए हुए आप बहुत ऊंचाई पर नहीं जा सकते। जागृत करने का हमने आपको तरीका बताया अभी आपको। जी, हाँ, वो कभी भी कर सकते हो जब आपको समय मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जागृत तो आप ही को होना है। ऊंचाइयां जब ही मिलेंगी जब आप अपने आप को जागृत करोगे, नहीं तो पैसा सब कमा रहे हैं, काम सब कर रहे हैं, चल सब कर रहा है, लेकिन ऊंचाइयां उन्हें मिली हैं जिन्होंने अपने आप को जागृत किया है। तो इसलिए अपने आप को आप जागृत करो और उसके बाद आप अपने आप ही देखोगे। कल फिर। जी हाँ बताइए। जी, बिल्कुल। हाँ नहीं देखो, टाइम तो जिंदगी में किसी को नहीं मिलता, ये तो आप लिख के रख लो। कोई दुनिया का आदमी ये नहीं कहता मुझ पर टाइम है, वो खाली भी बैठा होगा तो कहेगा टाइम नहीं है जी, है ना। समय किसी के लिए रुकता, समय तो आपको निकालना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन समय आप ही को निकाल देगा जीवन से। सही है ना? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना आप कामयाब होने हैं, कितना कामयाब नहीं होने हैं, ये आप ही पे डिपेंड करता है। क्योंकि कोई भी चीज जीवन में जब ही मिलेगी, जब आप जितने जागृत होंगे, उससे पहले नहीं मिलती। काम सब कर रहे हैं, धन सब कमा रहे हैं, लेकिन सुगुन की सुगुन ये, सबसे पहले तो अपने आप को सुगुन आना चाहिए। जब तक आपको सुगुन नहीं आएगा आप कामयाबी कैसे, आपको रास्ता ही नहीं पता आपको जाना कहां पे। आप रेलवे के टिकट लेने पे खड़े हुए हैं, टिकट दे दो टिकट दे दो, आपको जाना कहां है ये तो पहले पता होना चाहिए, जाना कहां है। नहीं तो वो क्या करेगा, पता है आपको क्या करेगा, वो आपको सबसे आखिरी टिकट दे देगा, है ना, या उसके जहां मर्जी आएगी वहां की टिकट आपको थमा देगा, लो जी जाओ। पैसे भी ज्यादा गए, हाथ कुछ नहीं आया, समय लगा, क्या रहा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए जीवन में कि आपको चाहिए क्या। 95% लोगों को नहीं पता जीवन में उन्हें चाहिए क्या है, 5% लोगों को पता है, वो दुनिया पर राज कर रहे हैं। इसलिए आपको भी पता होना चाहिए, आपको उन्हें 5% लोगों में शामिल होना है आपको हर तरीके से। जब भी आप कामयाबी के शिखर पर पहुंचेंगे आप उन 95% लोगों का पीछा छोड़ दो, आज के बाद से जिंदगी बदल दो। 95% लोग
जिन्हें अपना एम नहीं पता जीवन का, उनका साथ ही छोड़ दो आज के बाद से। आपको अपना एम पता होना चाहिए, सही है ना? आप जिस जगह नौकरी कर रहे हैं, कल को वे आपको रेस्पेक्ट की नजर से देखेंगे, बुलाएंगे अपने यहां पे, मालिक आपके आगे पीछे घूमेंगे, ये गारंटीड है। लेकिन आपको उससे पहले अपने आप को जागृत करना पड़ेगा, क्योंकि जो आज ऊंचाइयों पे है वो कुछ तो भूख के आए हैं। आप देख लो ना, फर्क देख लो। बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि मरने के बाद क्या पता लग रहा है, किसको क्या पता लग रहा है, कोई कहां जा रहा है, क्या मिल रहा है, कैसे हो रहा है। आप कल के क्यों देखते हो, आज ही देखो ना। आप जो आज सड़क पर भीख मांग रहे हैं, अपाहिज हैं, बहुत परेशान है, वो कुछ तो फर्क होगा। आप अच्छे खासे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, ऐश ले रहे हैं, तो कुछ तो भूखे ही आए हैं ना भाई। तो आप कल का क्यों देखते हो मरने के बाद, वो आज जीते जी देख लो ना। आप जीते जी जब दिखाई दे रहा है सब कुछ, आप उसके बाद भी अनजान बन रहे हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कौन मिलेगा? इसलिए अनजान बिल्कुल नहीं बनना है। गलतियां तो स्वीकार करनी है, और गलती करनी ही नहीं है जीवन में। क्या जरूरत पड़ी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए? तीन प्रॉब्लम खड़ी होती हैं, फियर, नफरत और पश्चाताप। समझ लेना इस चीज को, मैं आपको समझा देता हूं। फियर, नफरत और पश्चाताप क्या है? फियर डर, कुछ खोने का डर, कुछ पाने का डर, या आपने कोई गलत काम किया उसका डर। जब कुछ हम कर ही नहीं रहे, जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं, तो डर किस बात का? तो फिर तो हम सबसे आगे लाइन में सबसे पहले नंबर पर खड़े होंगे, जब डर ही नहीं है तो। दूसरा नफरत, कि उसने मुझे साथ ऐसा किया था, मुझे बहुत गुस्सा है, जब तक मैं एक के चार ना उसे लगा दूं तो क्या होगा? वो नफरत भरी हुई आपको निकालनी है, वो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। क्योंकि माइंड के अंदर आप अच्छा जमा कर लो या अच्छा जमा नहीं करो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आपको अच्छे से अच्छा जमा करना है। फिर है फियर, नफरत और पश्चाताप। कोई गलती हो गई थी, आप पश्चाताप में जल लो, या तो या छोड़ो, नहीं माफी मांग लो, हद के हद जाके पश्चाताप खत्म। आपको तो आगे बढ़ना है, इन्हीं झंझटों में उलझे रहोगे तो आगे कब बढ़ जाओगे? मैंने तो यही अपनाया है, आज कुदरत की कृपा है ना। तो ऐसी आपको भी करना है, सही। फिर कल बैठे, चलिए कुछ आज एक डायरी बना लो आज के बाद से, जो जो आपकी क्वारियां वो लिखो, है ना, जो आपने सीखा वो लिखो। जब भी समय मिले समय निकालो, जब भी आप इसको पढ़ो, रटो, लिख लिख के रटो, है ना। कल मैं फिर इसे पूछूंगा और आपको फिर आगे कर रहा।